अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है बख़ैर वाफियत होंगे। सबसे पहले तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, 12 रबीउल अव्वल गुजर चुकी है। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। इस हवाले से आपने देखा होगा कि मैंने अपनी कुछ हाज़िरी लगवाने की कोशिश की है और कुछ नातिया वीडियोज़ मैंने आपसे शेयर की हैं। दूसरा ये है कि जी मेरे 3,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं 10 दिन पहले तकरीबन, और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और उसके साथ ही आपकी सपोर्ट का भी शुक्रिया। और मैं कोशिश करूँगा इस सपोर्ट को रेप्लिकेट करने की, इंशाल्लाह मैं आपकी वीडियोस को भी देखता रहूँगा। मेरे जहन में जो सजेशंस आती हैं यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करने के लिए या उसके कंटेंट्स के हवाले से, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँगा। उसके अलावा यह है कि मेरी, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं वो लॉस के हवाले से हैं, और स्पेशली जो टैक्स लॉस के हवाले से मेरी जो वीडियोज़ हैं उस पर भी आपके अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं, अच्छे कमेंट्स भी मुझे देखने को मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से ये है कि मेरी वीडियोस जो टैक्सेशन के हवाले से हैं, आपको पता है पाकिस्तान में टैक्स रेट्स बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, टैक्स लॉज में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आती हैं। तो मेरी जो ओल्ड वीडियोस हैं जिस पे जो रेट्स हैं मैं शेयर कर रहा होता हूँ, तो वो मे बी के चेंज हो गए हों अभी, तो मैं उस पर लेटेस्ट जो रेट्स हैं वो आपसे शेयर करता रहता हूँ। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो मेरी पुरानी वीडियोज़ पर जब जाते हैं तो उनको ये परेशानी लाहक होती है कि ये शायद कोई रेट्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं हैं। तो रेस्ट श्योर कि मैं आपसे लेटेस्ट रेट्स शेयर कर रहा होता हूँ, लेकिन ओबियसली मेरी जो 2020 की वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो आज के रेट्स से डिफरेंट होगी। तो उस हवाले से यकीनन मेरी एक लेटेस्ट वीडियो भी अवेलेबल होगी, जिसको देखकर आप जो है वो मेरे जो लेटेस्ट रेट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि मेरा एक सिलसिला जो शुरू में साल पहले तक चल रहा था वो ये था कि मैं लाइव आया करता था और आप लोगों से लाइव डिस्कशन हुआ करती थी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिबेट्स करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे, और वो सिलसिला मौकूफ़ हो गया है ड्यू टू द रीजंस के कोविड की वजह से हमें काफ़ी टाइम मिल जाता था और आफ्टर दैट हम लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए हैं। मैं भी बींग अ कंसल्टेंट, टैक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस कंसल्टेंट, मैं भी बिज़ी होता हूँ दिन भर, और रात को जाके मुझे टाइम मिलता है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ कोई शेयर कर सकूँ इन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि हम एक दफ़ा फिर उस सिलसिले को किसी हद तक रिवाइव करें और हम दोबारा वंस अ वीक या इस तरह कोई हम एक आपस में लाइव चैट का, लाइव डिस्कशन का सेशन दोबारा शुरू करें। इस हवाले से चूँकि रबीउल अव्वल का इंतहाई मुबारक महीना चल रहा है, मेरे जहन में आ रहा है कि हम एक महफिल नात जो हमने पहले भी दो दफ़ा की और उसमें डिफरेंट लोगों ने नातें पेश की और उस सिलसिले को आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया, तो इस सिलसिले को मैं इससे आगाज़ करना चाहता हूँ अपना दोबारा जो लाइव सेशंस का है। तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? और जो लोग नात पेश करना चाहते हैं मुझे बड़ी खुशी होगी वो लोग बताएं और वो लोग उस सेशन में पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह इसकी इंटीमेशन मैं जल्दी दूंगा आप लोगों को। और इस हवाले से आपकी कोई सजेशंस अगर हैं कि मेरे कंटेंट में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को तो मेरा सेल नंबर भी पता है, वो दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑनलाइन, और जिन लोगों को नहीं भी पता, अब आपको पता है यहाँ ऑनलाइन शेयर करना ज़रा मुनासिब नहीं होता, तो आप कमेंट्स दे सकते हैं। बाकी मुझे याद आ रहा था कि हमारे जो फ्रेंड्स बहुत सारे थे जो जिन दिनों में लाइव आया करता था उन लोगों के साथ हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन गपशप होती थी, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ अभी भी रबते में हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है। कुछ लोगों ने चैनल छोड़ दिया, कुछ लोगों ने शायद कांटेक्ट करना छोड़ दिया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आएं दोबारा से, कनेक्ट हों, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि सक्सेस इज़ नॉट अलोन, ये इकट्ठी होती है, मिलके होती है। तो
सक्सेस अचीव करने के लिए आइडिया शेयरिंग और एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे में जहाँ कहीं को फंसा हुआ है उसको वहाँ पे हेल्प करके उसको बाहर निकालना, उससे इनक्रेज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और आप लोगों की इनक्रेजमेंट की वजह से ही मैं इस वक्त इस पोजीशन में हूँ कि माशाल्लाह अभी मेरी 400 से 500 के करीब मेरी वीडियो जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं लोगों में। कुछ वीडियोस के ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ भी लोगों ने दिए हैं। फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत भी इंशाल्लाह रहती है, ऑलवेज़ रहती है। कंटेंट के हवाले से इंशाल्लाह मैं भी सोच रहा हूँ आजकल कि हाउ कैन वी मेक इट फर्दर फ्रूटफुल फॉर द व्यूअर्स। तो उस हवाले से मैं इंशाल्लाह जो यूट्यूब सक्सेस के हवाले से कुछ वीडियोस पहले भी शेयर की थी, इंशाल्लाह अभी फर्दर वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये डिस्कशन चलती रहेगी, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने आइडियाज़। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।